इस राम राम जो माता कौशल्या के यहाँ जिन्होंने जन्म लेकर के आए, उनका नाम राम राम होगा। सुख के राम होंगे, संसार को सुख देने वाले होंगे और विश्व भर पोषण कर जोई और प्राकर नाम भरत रस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं इनका नाम भरत होगा। जाके सिमरन तेरे पुलासा नाम शत्रुहन जिनका सिमरन करने से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और बोली लक्ष्मण धाम इनका नाम लक्ष्मण होगा। लिखन लगा तो चारों भाइयों के नाम नाम संस्कार हो गए, लेकिन जैसे ही इनका जन्म हुआ अयोध्या में सभी देवता दर्शन करने के लिए पधारे, भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए न पधारे। सब चल रहा था अयोध्या में, नाचते गाते हुए भगवान का दर्शन किया। उसके बाद आशीर्वाद लेकर के भोले बाबा तो चले गए, लेकिन विश्वामित्र जी राम को लेने के लिए आ गए। और विश्वामित्र जब लेने के लिए आए तो दशरथ जी ने एक बार तो उन्हें मना कर दिया कि सब सुख मोह प्राण की नाई राम देत नहीं, बने गुसाई में राम को नहीं दे सकता। सब सुख मुझे प्राणों से प्यारे हैं लेकिन राम में शेष हैं। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, राजन जन तुम इन्हें ले दो, इनका तो यहाँ पर जन्म भी इसलिए हुआ है। विप्र भयं सुर संत जब महाराज वशिष्ठ के कहने पर और विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को भेज दिया। विश्वामित्र जी के साथ जाकर प्रभु ने मारी जो स्वभाव नाम के निशाचर का उद्धार किया। सबसे पहले ताड़का का वध किया और अपनी लीलाओं को संपन्न करने लगे। उसके बाद फिर महाराज गुरु का आदेश मानते हुए हुए प्रभु श्री राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए विनम्रता के साथ और जनकपुर में पधारे। जनकपुर में जाकर के परांबा जानकी जगत माता माँ जानकी के साथ, क्योंकि भागवत में संक्षिप्त कथा है बहुत बहुत तो थोड़ी कथा भगवान की कहना है। उसके बाद हम और आप गोविंद जन्म उत्सव की ओर चलेंगे। तो भगवान वहां पधारे, माँ जानकी जी के साथ इनका पारगमन संस्कार हुआ, जयमाला दंडस्व यज्ञ का मेला लगाया गया। उस धनुष का खंडन प्रभु श्री राम जी के द्वारा हुआ। माँ जानकी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई। अब चारों भाई थे तो चारों भाइयों का विवाह भी वहीं जनकपुर में जनक जी महाराज ने कर दिया। लक्ष्मण जी के साथ साथ मांडवी का विवाह श्री भरतराज जी के साथ साथ और श्रुत कीर्ति का विवाह है शत्रुघ्न के साथ। चारों विवाह है भाइयों के विवाह होकर के लौट करके अयोध्या में पधारे। अयोध्या आकर के कुछ समय रहने के बाद और कैकेयी ने दो वरदान जो देवासुर संग्राम हुआ था उस समय महाराज दशरथ से मांग लिए थे। कहा महाराज दो वरदान हमारे बहुत पहले के डले हुए और अब मैं चाहती हूँ कि वो वरदान हमें मिल जाए। कैकेयी के जीव पर और कुमति बैठ गई और उसने कैकेयी को कहा कि तुम अपने भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, राम के लिए वनवास। 14 वर्ष का कैकेयी के द्वारा वनवास प्रभु श्री राम को
और भरत को राज तिलक दशरथ जी महाराज बहुत दुखी हुई हुई, लेकिन विचार किया कि अब क्या करें, तो राम जी और ने आकर के पिताजी से प्रणाम करके कहा कि पिताजी जो आपने वरदान माँ कैकेयी को दिए हैं वो हम सरोधार रख करके और उसका पालन करेंगे। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी जी ने कहा हम भी आपके साथ वन की ओर चलेंगे 14 वर्ष के लिए। प्रभु श्री राम ने बहुत कहा कि तुम मत चलो, लेकिन जानकी जी भी साथ में गए और लक्ष्मण जी भी वहां से प्रभु श्री राम के साथ गए। बहुत रोका, विचार किया, लेकिन नहीं माने। सुमंत जी को भेजा, सुमंत जी राम लक्ष्मण जानकी जी को लेकर रथ में बिठाल कर गए और वहां से चले चले। सुमंत जी जब वापस लौट करके जैसे अयोध्या में सूचना दी, अयोध्या में हमें गए, आज पूरे 6 दिन हो गए। सुमंत जी ने आकर के महाराज दशरथ से कहा कि महाराज मैंने बहुत आग्रह किया, आपने कहा था कि इन्हें थोड़ा जंगल में घुमा करके लौट लौट वापस आ जाना, मैंने बहुत प्रयास किया महाराज, वो लौट करके नहीं आए। तब महाराज दशरथ ने राम राम कह राम कह राम राम कह राम तन पर हर रघुबर विरह राम गयो सुरधाम। राम राम कह करके अपने प्राणों का प्रत्याग महाराज दशरथ ने कर दिया। और महाराज दशरथ कोई साधारण राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। जब स्वर्ग में जाते थे तो इंद्र भी आधा सिंहासन महाराज दशरथ को देता था बैठ बैठ के, और जब महाराज वहां से लौटते थे तब उसको जलता था। क्यों? उसे पता था कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्हें सिंहासन तो देता था लेकिन निपुत्र थे, कोई संतान नहीं थे, निसंतान थे, तो सिंहासन से जलता था। भगवान वहां महाराज दशरथ अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करके स्वर्ग चले गए। देवराज इंद्र ने आधा सिंहासन महाराज दशरथ को दे दिया, उस पर विराजमान हो गए। इधर महाराज दशरथ का भौतिक तेलादि से सुरक्षित रख करके फिर भरत लाल जी निहार में रहते थे, उन्हें सूचना दी, भरत लाल जी आए। भरत लाल जी ने आकर के अयोध्या में देखा तो अयोध्या का कोई भी व्यक्ति भरत लाल जी की ओर कोई देवता नहीं, सोचता है कि तुम इसमें शायद हो सकता है कि भरत की भी सहमति हो जब इनकी माँ कैकेयी ने वरदान मांगे, लेकिन भरत की कोई सहमति उसमें नहीं थी। तो सब पता चला भरत ने जब माना जाना कि मेरी माता के कहने पर राम जी वन को चले गए। माँ कौशल्या के सामने जाकर के बहुत प्रार्थना की, सैकड़ों सौगंध खाए, माँ मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु श्री राम को कौशल्या ने कहा भरत को गोदी में बिठा करके हृदय से लगा लिया, भरत मुझे पता था कि तुम जितने मुझे राम प्रिय हैं उससे ज्यादा भरत तुम मुझे प्रिय हो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये सब समय का दोष है। और वहां से चले गए भरत। अच्छा, रामचरितमानस में केवल 2 पात्र ऐसे हैं, भरत जी केवल ऐसे पात्र हैं कि उनके पूरे रामचरित में एक भी उनके जीवन में कोई अवगुण नहीं है। लाख बार आप प्रयास करने के बाद एक अवगुण नहीं निकाल सकते। कैकेयी ऐसा पात्र है कि उसके जीवन में एक ही सदगुण नहीं, सब उसके अंदर अवगुण ही अवगुण भरे है। ठीक है, लेकिन होना वही वही है। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं महाराज परिचय 14 वर्षों से अयोध्या जब प्रभु श्री राम जंगल की ओर प्रस्थान कर गए तो पूरे अयोध्या में कहीं भी किसी ने दीपक नहीं जलाया,
कभी किसी ने पैरों में खराब नहीं पहनी, कभी किसी ने मंगल गीत पूरी अयोध्या में किसी के घर में नहीं गाए गए। क्यों? कि जब महाराज दशरथ के स्वयं राम ही जंगल के लिए चले गए तो अब इस अयोध्या में गीत गाने का कोई मतलब नहीं है। पूरे अयोध्या में गीत संगीत उत्सव बधाई कुछ नहीं, भगवान चले गए। फिर प्रभु श्री राम नाम राग में अत्रि मुनि के आश्रम पर मधारे। अनुसुईया से जानकी जी ने आशीर्वचन लिया, इसके बाद सुतीक्ष्म आश्रम पर पधारे। फिर अगस्त जी के आश्रम पर गए, अगस्त जी के आश्रम पर सत्संग किया, फिर जाकर भगवान पंचवटी पर बाहर रहने लगे। अब भगवान तो अपना लीला संपन्न कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पंचवटी पर पहुंचे, अच्छा एक तो आप बात, अच्छा पंचवटी को पंचवटी क्यों कहा जाता है? यहाँ बहुत मैंने देखा है, बहुत विद्वान हैं यहाँ के लोग और बड़े कृपा है इस नगरी के ऊपर कि आप तो लगातार कथाएं यहाँ पर चल रही हैं, तो सुनते सुनते और वैसे ही विद्वान यहाँ लोग। पंचवटी का पंचवटी नाम क्यों पड़ा? जहाँ पर प्रभु श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी वहां पर रहते थे, तो कई लोग कहते हैं पंचवटी नाम इसलिए पड़ गया कि वहां पर पांच वृक्ष थे, इसलिए उसका नाम पंचवटी है। तो पांच वृक्ष अगर यहाँ पर वो लगा दिए जाए तो यहाँ पंचवटी हो जाएगी। पंचवटी का नाम पंचवटी इसलिए कि पूरे रामचरित मानस में कहीं भी पांच माया एकत्रित नहीं हुई, केवल पंचवटी में जाकर के पांच माया इकट्ठी हुई, इसलिए उसका नाम पंचवटी पड़ गया। पंचवटी पर पांच माया प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता जानकी जी पंचवटी पर विराजमान है और सोने का मृग उनके सामने से निकला। सोने का मृग निकला और माता जानकी जी ने राम जी से कहा कि इस मृग की मृग छाला मिल जाए, कितना सुंदर मृग है। भगवान ने कहा कि रे सोने का कई मृग होता है लेकिन राज हट त्रिया हट बाल हट। जानकी जी ने कहा नहीं, इसे तो आप मार करके लाओ, इसी मृग छाला को चाहिए। राम जी ने कहा तो ठीक है, राम जी उस मृग के पीछे चले गए। जब मृग के पीछे राम जी गए और बाण मारा तो वो तो मारीच मृग बन करके आया था और रावण का भेजा हुआ। और जब उसने कहा कि जब तुम्हें बाण लगे, जब तुम्हें आवाज लक्ष्मण को देना है, राम जी को आवाज नहीं देना, तो मृग ने आकर के प्रभु श्री राम ने उसमें बाण मारा और उसने लक्ष्मण को पुकारा, लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण जी से राम जी कह करके गए थे कि जब तक हम लौट करके ना आए तब तक जानकी जी की रक्षा तुम्हें करना है। कहा कि प्रभु आप जाइए। राम जी ने बाण मारा और वो गिर गया। वो तो माया का मृग था, उसने आवाज लगाई। लक्ष्मण जानकी जी ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ, हमें लगता है कि तुम्हारे भाई के ऊपर संकट है, तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने एक बार कहा भुवनेश्वर कालहु के काला, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? अरे आप क्यों चिंता करते हो माताजी, चिंता मत करो। जानकी ने कहा कि नहीं नहीं, मरम वचन जब सीता बोला हर भर लक्ष्मण मन डोला। अभी तो विद्वानों की बातें हैं, मरम वचन मरम वचन क्या था वो तो लक्ष्मण जी जाने और जानकी जी जाने, लेकिन मरम का अर्थ मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे कड़े शब्दों से कह दिए कि उन्हें विचार करना पड़ा कि अब क्या क्या। राम जी हमसे कह के कहे भैया कि तुम्हें इनकी रक्षा करना है और माँ जानकी जी कह रहे हैं कि जाओ, राम जी के ऊपर संकट है, अब क्या क्या।
तो लखन लाजी बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। तो राम जगत मानस में लिखा है और भयो प्यारा रहने लखन लाजी